पत्रकार की बाइक चोरी मामले के बाद बक्सर एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर 4 सहायक अवर निरीक्षक को किया निलंबित। कार्य में लापरवाही को लेकर बक्सर एसपी ने 4 एसआई को सस्पेंड किया है। मामला बक्सर नगर थाने में तैनात 4 सहायक अवर निरीक्षक दरोगा को एसपी नीरज कुमार सिंह ने निलंबित कर दिया है। उनके कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सभी पुलिस अवर निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, रजनीश रंजन, स्वाति कुमारी तथा जूही कुमारी पर कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि पिछले 19 तारीख को पत्रकार विशंबर मिश्रा की मोटरसाइकिल छोटकी सारिमपुर इलाके में उनके घर से चोरी की सूचना के बाद कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ 20 को विशाल मेगा मार्ट के सामने से रोहतास जिला के कोचस निवासी चंदन कुमार की मोटरसाइकिल चोरी के बाद किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने के बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। वही इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिसिया महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बक्सर एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर के 2 जगहों पर पिछले दिनों मोटरसाइकिल की चोरी की घटना संज्ञान में आने के बाद भी ओडी पर तैनात इन अधिकारियों ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया। अपनी प्राथमिक ड्यूटी को भूलकर कार्य में लापरवाही बरतते हुए अन्य थानों को सूचना प्रसारित नहीं की गई। इसको लेकर 4 लोगों पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रंजीत कुमार को शो कालेस नोटिस किया गया। एसपी ने जिले में सभी थानों को इस तरह से मामले को लेकर काम के प्रति एक्टिव रहने के साथ आसपास के थाने को सूचित करते हुए अन्य जिले को सूचित जरूर करें, तभी बैंक लूट, मोटरसाइकिल लूट, अन्य कांडों पर लगाम लगेगी, तब जाकर आम जनता में मापदंड पर पुलिस खरी उतर पाएगी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प यह होगा कि पुलिस कप्तान की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अन्य थानों की पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति कितनी संजीदा दिखती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। संजीव उपाध्याय के साथ राज रंजन की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से। बड़ी कार्रवाई तो इसमें 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटना प्रतिवेदित टाउन थाना में हुआ था। उसका सा समय प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया और साथ ही साथ एक पुलिस का एक समरोल है कि कोई वाहन की चोरी की घटनाएं होती हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, तो उसके संबंध में तुरंत वेतन तो संभाल अगल बगल के जिले अगल बगल के थाना में प्रेषित करना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया था। ये बेसिक प्रिंसिपल भी लोग भूल चुके हैं और साथ ही साथ उसके प्राथमिकी दर्ज नहीं करना एक बहुत बड़े अपमान है कि पुलिस में ये लापरवाही मानी जाती है। ये दोनों काम एक साथ किया गया था तो उस समय के जो भी ओडी पदाधिकारी थे उनको निलंबित किया गया है। नगर थाना अध्यक्ष से कारण प्रख्या किया गया है, निर्देश देंगे अन्य थाना कर्मियों को भी। इस संपत्ति मूलक कांड में खास करके मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल लूट, बैंक डकैती वाले इस तरह के कांड अगर होते हैं, सीएसपी के लूट होते हैं, तो उस संबंध में अविलंब अपने अगल बगल के थानों को खबर करें, साथ ही साथ अगल बगल के जिलों को खबर करें, ऑन टूर रहें, अलर्ट रहें, तभी जाके जो है कि हम लोग जो भी जनता के जो मापदंड है उस पर खड़े उतर पाए।